बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद। हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं बारबेक्यू की रेसिपी, वो है गोला कबाब। हरी मिर्च को चॉपर में डाल देंगे, उसके साथ ही अब हम चॉपर में ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन प्याज, काला ज़ीरा, काले ज़ीरे के साथ ही जायफल जावित्री, और उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसमें हम शामिल करेंगे जनाब लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने शामिल कर दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, और अब हमने इसको चॉप करना है। इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ नमक, ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। कीमा हमारे पास तैयार हो गया, तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम हथेली पे लगा लेंगे, और अब इसके हम बनाएंगे गोले, ठीक है। अवन है, माइक्रोवेव है, या फिर सीख कबाब की सीख है, तो आपने इस सीख से इसको ऐसे शेप देनी है। ये देखिए गोला कबाब की हमने शेप तैयार कर ली है, और अब यहाँ पर एयर फ्रायर को हम ऑन करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं इसका टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ, और ये मैं रख रहा हूँ तकरीबन 200 पर। ऑन करेंगे और टाइम दे देंगे तकरीबन 25 मिनट, और उसके बाद हम अपने तमाम जो गोला कबाब हैं उनको इस तरह से लगा देंगे। तमाम गोले कबाब को हमने इसमें लगा दिए, और अब हम इस बास्केट को लगा के बंद कर देंगे। गोला कबाब हमारे पास तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसको क्या करेंगे, तो गोला कबाब को उठा के हम एक किसी भी पतीली में या बाउल में रख लीजिए जिसको आप कवर कर सकें, और उसके अंदर हम लगाएंगे इसको धुआं। और अब जो है हम ये रखेंगे कोयला इसमें, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और जनाब गोला कबाब हमारे पास तैयार हैं, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मज़ीद किसी और एपिसोड के साथ आपसे होगी मुलाकात। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और दुआ में हमें याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। हर काम अब आसान है एनएक्स से, खुशियाँ और आराम है एनएक्स से। हर काम अब आसान है एनएक्स से।